राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद माहौल जश्न का है, लेकिन इस जश्न के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रेस तेज हो गई है। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सीएम कौन होगा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ समेत कई नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया है। अब इसी मुलाकात के बाद बाबा बालकनाथ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाचार एजेंसी ANI ने लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और बाबा बालकनाथ के बीच हुई चंद सेकंड की मुलाकात का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। संसद परिसर में जब बाबा बालकनाथ से अधीर रंजन टकराए तो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये नए सीएम बन रहे हैं ना। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? राजस्थान के सीएम बनते हैं। वहीं वीडियो में नहीं दिखाई देने वाले अन्य व्यक्ति ने कहा कि सीएम बनते ही पहला काम आप क्या करेंगे, तो इस पर बाबा बालकनाथ ने कहा कि अरे भाई कुछ नहीं है। बता दें कि एग्जिट पोल और फिर राजस्थान में बीजेपी को मिली जीत के बाद बाबा बालकनाथ का नाम सुर्खियों में आया। एग्जिट पोल के जब नतीजे सामने आए तो उसमें राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं के नाम भी शामिल थे। इसमें वसुंधरा राजे से ज्यादा जनता ने बाबा बालकनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई थी। बाबा बालकनाथ ने अलवर जिले के तिजारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को शिकस्त दी है। चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जब बालकनाथ से सीएम बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सब कुछ पीएम मोदी है, सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल ये उठा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। राजस्थान में सीएम चेहरे की बात करें तो कुर्सी के लिए कारगर व्यक्ति की तलाश जारी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम के नाम की घोषणा नहीं की। अब चूंकि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है तो अब विधायकों की बैठक के बाद जिनके नामों का सुझाव आएगा उस पर पार्टी फैसला कर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी।